स्टूडेंट्स, जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोगों ने लूपिंग पढ़ी थी। तो लूपिंग में हम लोगों ने व्हाइल और डू व्हाइल दोनों कांसेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग फॉर लूप को पढ़ेंगे। तो चूंकि फॉर लूप लूपिंग के ही अंतर्गत आता है, लेकिन जावा में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो C++ में फॉर लूप में नहीं था, वो आपको जावा में वो फैसिलिटी मिल रही है। तो फॉर लूप को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। यह लूप सभी लूप्स में से सबसे सिंपल होता है। फॉर लूप एक स्टेटमेंट है, यह कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने की अनुमति प्रदान करता है। देखिए, वही है फॉर लूप की ये सबसे सिंपल होता है और इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि व्हाइल और डू व्हाइल में आपने देखा होगा इनिशियलाइजेशन अलग, कंडीशन अलग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग, स्टेटमेंट अलग, लेकिन इसमें सारी की सारी चीज़ें एक में होती हैं। तो जावा में 3 टाइप्स के लूप्स पाए जाते हैं। पहला सिंपल फॉर लूप्स, दूसरा फॉर ईच अथवा इनहेंस्ड फॉर लूप, ये सी और C++ में नहीं पाया जाता, ठीक है। तीसरा है लेवल लूप, ये भी सी और C++ में नहीं पाया जाता, ठीक। तो इन तीनों लूप्स को हम लोगों ने, चूंकि फॉर लूप को हमने पढ़ा है, लेकिन हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि आखिरकार फॉर लूप होता क्या है। तो हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है सिंपल फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप को अपन सिंपल वे पे यूज कर रहे हैं। तो चूंकि ये सिंपल होता, डिफिनीशन आपने पहले, फॉर लूप में प्रमुखतः 3 पार्ट्स होते तो बेसिकली 4 पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। लेकिन महत्व वो मेन जो पार्ट्स होते हैं फॉर लूप के, वो 3 होते हैं, ठीक है। चौथा मैं बता दूंगा क्या होता है। तो सबसे पहला हो रहा है इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब इनिशियलाइजेशन का मतलब किसी, जैसे मान लीजिए इंट ए इक्वल्स टू 10, ये क्या हो गया आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। किसका इनिशियलाइजेशन? ए नाम के वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया। अब कंडीशन, मान लीजिए ए ग्रेटर देन 20, ये हो गई कंडीशन आपकी। फिर कह रहा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया और ए माइनस माइनस आपका डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, आपने व्हाइल लूप में देखा होगा, चाहे डू व्हाइल लूप में देखा होगा, पहले इनिशियलाइजेशन होता था, फिर कंडीशन लगती थी और फिर स्टेटमेंट होता था, फिर इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता था। लेकिन इसमें तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, ये तीनों एक साथ होती है। अब इनिशियलाइजेशन, ये फॉर लूप का पहला पार्ट है जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया जाता है। जिसमें बताया ना, जैसे ए इक्वल 10, तो इसमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, उस वेरिएबल को यहाँ पर यूज किया जाएगा। और इनिशियलाइज किए हुए वेरिएबल के आधार पर ही मेमोरी लोकेशन में स्टोर करने को आपको अनुमति प्रदान की जाती है। मतलब ए नाम का वेरिएबल बनाया तो बफर में ए नाम का स्पेस आपका बन गया, ठीक है। और इसमें आप जो भी वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट टाइम ये की 10 हो गई, ये लीजिए आप, सेकंड टाइम अगर प्लस प्लस किया तो 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी,
फिर इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन, क्योंकि लूप हमारा किसके बिहाफ पे चलेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। कंडीशन जिस टाइप की कंडीशन होगी उस टाइप से आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन ट्रू है तो वो फॉर लूप के अंदर जाएगा, और नहीं तो क्या करेगा, वो बाहर कर देगा उसको। अब स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वेरिएबल की वैल्यू या तो इंक्रीमेंट होगी या फिर डिक्रीमेंट होगी, ये डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पर कि हमने किस टाइप की कंडीशंस यूज कर रखी है। देखिए चौथा जो मैं बात कर रहा था वो है आपका स्टेटमेंट, जिसे हम लोग प्रोग्राम के प्रत्येक पार्ट्स में कंपलसरी लिखते हैं, ये चाहे व्हाइल रहा हो, चाहे डू व्हाइल रहा हो, चाहे फॉर हो, स्टेटमेंट्स के बिना हम किसी भी लूप को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो द स्टेटमेंट ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड ईच टाइम अंटिल द सेकंड कंडीशन इज फॉल्स, मीन्स ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन क्या होगी तुम्हारी ट्रू। जैसे कंडीशन तुम्हारी फॉल्स हो गई क्या करेगा इससे, वो बाहर कर देगा। और जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहा हो रहा होगा तो बार बार वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीमेंट अथवा डिक्रीमेंट। ठीक, तो देखिए सिंटैक्स देखिए इसका, क्या सिंटैक्स है फॉर लूप का, फॉर इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन का मतलब इंट आई इक्वल 10, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। कंडीशन आई लेस देन 0, जब तक आई की वैल्यू 0 ना हो जाए। देखिए सेमी कॉलन यहाँ टर्मिनेट है और सेमी कॉलन यहाँ टर्मिनेट है, कंडीशन में भी सेमी कॉलन यूज किया जाएगा। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब क्या करोगे आप, आई की वैल्यू को माइनस माइनस, क्योंकि 10 है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे डिक्रीमेंट करोगे, ये लो सॉरी इसमें सेमी कॉलन टर्मिनेट नहीं होता ये। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, एसओपी, एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आई को प्रिंट करा दो, ये लो। ठीक, इस तरह से हम इसमें काम करेंगे। आइए इसका फ्लो चार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको बताया इनिशियलाइजेशन, जब तक इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन के बाद वो कंडीशन पे चेक करने जाएगा, ये आपकी कंडीशन है। अब कंडीशन में क्या होगा, यदि कंडीशन ट्रू हुई तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और इसके बाद उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा। अब जो भी कंडीशन तुम्हारी रहेगी, पिछले उस पर हमने डिक्रीमेंट देखा, फिर वापस जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन क्या होती रहेगी, ट्रू होती रहेगी, और जब ये फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, ये फॉर लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम देखने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रन सीएमडी, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, डी ड्राइव CD SC, ठीक है, CD जावा प्रोग्राम। ठीक है, अब हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिस प्रोग्राम में हमें काम करना है, तो फॉर लूप। ठीक है, देखिए राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ सिंपल फॉर, मतलब एक फॉर लूप का, सिंपल फॉर लूप का हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं। क्लास फॉर डेमो, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये आपका क्या है, ये आप सबको पता है, ये आपका मेन मेथड है। फिर इंट, ठीक है, कहाँ गए अपन, इंट
एक डेटा टाइप है, दो वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल n और दूसरा वेरिएबल i। n की वैल्यू मैंने किससे इनिशियलाइज कर दिया, 2 से, और i लूप के लिए रख लिया। तो देखिए फॉर i, ये इनिशियलाइजेशन i इक्वल 1, आप चाहते तो int i इक्वल 1, लेकिन वो फिर लोकल वेरिएबल हो जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको क्लास वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, i इक्वल टू 1, i लेस देन r इक्वल टू 10, कब तक, जब तक i की वैल्यू 10 या 10 से कम ना हो जाए, और i प्लस प्लस, इसमें क्या करना, अपने को इंक्रीमेंट करना है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, n की वैल्यू 2, मतलब 2 2 2 2 बार बार, i फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी, सेकंड टाइम 2 3 4, तो 2 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, मतलब 2 का टेबल हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। देखिए इसके साथ कैसे अपन करेंगे, जावा सी कंपाइलर हमारा डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल हो गया हमारा, अब ये देखिए 2 into 1 2, 2 into 4 2, 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 and 2 10 20। तो इस तरह से हम 2 की टेबल्स यहाँ पर फॉर लूप के द्वारा डिस्प्ले किया, ठीक है। इसी तरह से आप फॉर लूप का यूज करके नंबर प्रिंट कर सकते हैं, आप और भी दूसरी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा, अगर हो तो फिर स्क्रीनशॉट उस पर शेयर करिएगा, तो मैं देखूंगा, किसी को प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। तो ये था आपका फॉर लूप। नेक्स्ट फॉर ईच, नेक्स्ट है आपका फॉर ईच अथवा इन्हेंस्ड फॉर लूप, इसी को फॉर ईच भी कहा जाता है, इसी को इन्हेंस्ड फॉर लूप भी कहा जाता है। अरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फॉर ईच का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसको पहले से मेंशन कर दिया, ये नॉर्मल वेरिएबल के लिए नहीं है, जावा में जो अरे का कॉन्सेप्ट है ना, उस अरे की एलिमेंट्स की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फॉर ईच का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या अरे में फॉर लूप का यूज नहीं किया जा सकता, यह सब कोर्स किया जा सकता है, फॉर लूप के द्वारा भी अपन अरे की वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अरे के मामले में यह फॉर लूप से बेहतर होता है। मतलब यह सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, अरे के लिए ही बनाया गया। अरे एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सी में भी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस में सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। तो अरे में फॉर लूप का यूज होता है, लेकिन हम अगर बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो हमें फॉर ईच का यूज करना चाहिए। फॉर वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल नेम होगा, कॉलम अरे का नेम, जो भी अरे का नेम होगा, और ये स्टेटमेंट जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है, ये वेरिएबल नेम हम डिसाइड करेंगे। अरे नेम, चूंकि अरे अभी मैंने नहीं पढ़ाया है तो अरे इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ अरे डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं जावा में अरे पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन जरूर बताऊंगा, ठीक। अब एडवांटेजेस, इट मेक द कोड मोर रिलायबल रीडेबल, मतलब हमारे कोड को, चूंकि फॉर लूप में क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उन कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करके हमारे कोड को रीड करने योग्य बनाता है। इट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग एरर, और ये कोशिश करता है जो प्रोग्रामिंग की एरर हो उनको एलिमिनेट कम करने की कोशिश करता है, उनको हटाने की पूरी कोशिश करता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं फॉर ईच के। तो फॉर ईच वर्क कैसे करता है, तो द जावा फॉर ईच लूप ट्रेवर्स द अरे आर कलेक्शन अंटिल द लास्ट एलिमेंट। ये क्या करता है, जैसे अब इतना तो आपको मालूम है ना कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8
नहीं, मान लीजिए इतने एलिमेंट्स, तो क्या करेगा इन सभी एलिमेंट्स को ट्रवर्स करेगा, सभी के पास जा जाकर उनको रीड करेगा, यही अरे की जरूरत है। तो ये क्या करता है लास्ट एलिमेंट्स तक ट्रवर्स करता है। फॉर ईच एलिमेंट इज स्टोर द एलिमेंट इन द वेरिएबल एंड एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द फॉर ईच लूप, जो वेरिएबल अभी मैंने बताया ना ये उसी वेरिएबल में उनको रखता है और फिर जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फॉर ईच लूप के साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसका बेसिक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जब अरे पढ़ाऊँगा तो अरे के साथ फॉर ईच के अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप और कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं जब अरे पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को फॉर ईच का एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा कि फॉर ईच कैसे काम करता है। ठीक, नेक्स्ट लेबल डू। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जावा में जो फॉर लूप है ना फॉर लूप है, तो उस फॉर लूप का एक नाम और हो सकता है, कह रहा है लेबल लूप्स। तो फॉर लूप को लेबल लूप में बनाने से पहले हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को और समझना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड फॉर, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा नेस्टेड फॉर। नेस्टेड फॉर मतलब एक फार के अंदर, जैसे मान लीजिए ये फार लगाया हमने, ठीक है, और इसके बाद इस फार के अंदर जो भी कर दिया फिर इसके यहाँ पे फार दे दिया, ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा नेस्टेड फार कहलाएगा। तो फार लूप का एक नाम और हो सकता है लेबल लूप, लेकिन जो नेस्टेड लूप अगर समझेंगे हम लोग, फार लूप कोई नेस्टेड लूप होता है, एक लूप के अंदर जब दूसरे लूप को एक्सेस करते हैं वो नेस्टेड लूप होता है। तो ऐसा करने के लिए हमें फॉर लूप से पहले लेबल का उपयोग करते हैं, क्योंकि नेस्टेड लूप में क्या होता है, पहले एक बार ये एग्जीक्यूट होता है एक बार ये एग्जीक्यूट। लेबल लूप में क्या होता है, हम जिसको चाहेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए दो कीवर्ड हमको प्रोवाइड किए गए, कौन कौन सा, ब्रेक और कंटिन्यू, अगर याद हो तुम लोगों को, ब्रेक वहाँ पर ब्रेक कर देता है और कंटिन्यू वहाँ से आगे बढ़ा देता है, और ये नेस्टेड फॉर लूप के साथ ही काम करता है, पहले बताया आपको। तो हम विशिष्ट फॉर लूप को ब्रेक और कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये लूप है फॉर लूप, ये फॉर लूप काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ इस ये रुक जाए अब ये वाला फॉर लूप काम करे, तो ये फॉर लूप काम कर लेगा ये रुक जाए। जबकि नेस्टेड लूप में ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यू जिस हिसाब से कंडीशन है उसके अनुसार वो काम करता है। तो सिंटैक्स ये लेबल, यहाँ पर हम फॉर को स्टार्ट करने के पहले क्या कर देते हैं, लेबल दे देते हैं, लेबल कुछ भी, लेकिन उसके बाद कालन जरूर लगाते हैं, हमें गलती से नहीं लगाया, ये कालन लगता है, सबो दर्ज लिख रहा है एस एस, ठीक है, ये लीजिए ये मेरा लेबल बन गया। अब मैं जहां इसको कर दूंगा ब्रेक एस एस या कंटिन्यू एस एस, तो उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा, बाकी कहानी वही रहती है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब इनिशियलाइजेशन जो भी आप वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन जिसके हिसाब से कंडीशन आप चेक करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आप कंडीशन होगी उस हिसाब से आपका ये लग इंक्रीमेंट लगेगा या फिर डिक्रीमेंट, और ये आपका हो गया स्टेटमेंट्स। ठीक, आइए देखते हैं, देखिए लूप विदाउट लेबल, अब यहाँ पर आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। ये नेस्टेड लूप है, ये एक फॉर लूप यहाँ पे लगा है, बड़ा गौर से देखिएगा, ये एक फॉर लूप हुआ, ये इसका स्टेटमेंट हो गया, इसके अंदर एक लूप और लगाया गया फॉर, ये क्या हो गया आपका, ये भी एक नेस्टेड लूप हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ब्रेक कर दिया इस लूप को, ठीक है, और ये ब्रेक करने के बाद इसको यहाँ कंटिन्यू, जब ब्रेक हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट होने लगेगा और इस तरह से ये काम करेगा। लेकिन जब लेबल लगाएंगे तो देखिए लेबल वन, हमने यहाँ पे लेबल लगा लिया फार के पहले, ठीक है, फिर फार लिख दिया, फिर लेबल टू दूसरा लगा दिया फार लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करती ब्रेक लेबल वन, मतलब मैं जैसे लूप आएगा तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और इस लूप को कंटिन्यू चलाता। ओके,
तो ये लूप विथ लेबल है और ये लूप विथ विदाउट लेबल है। ठीक, आइए इसके एक एग्जांपल भी। Write a Java program to demonstrate the use of labeled for loop. ठीक है, क्लास लेबल्ड फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग आरजीएस यूजिंग लेबल फॉर आउटर एंड फॉर लूप। ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया, ये ए जो आपका है क्या, ये ना ये क्या है आपका लेबल हो गया, ये क्या हो गया आपका लेबल हो गया। फिर आपने फॉर लगाया int i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 3 और i प्लस प्लस। ठीक है, आई की वैल्यू एक है, लेस देन आर इक्वल 3 मतलब 1 2 3 तीन बार ये लूप चलना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ये बीबी दूसरा लेबल लगा दिया हमने। ठीक है, फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस, इस लूप को भी हमको कितनी बार चलाना है, 3 टाइम्स ही चलाना है। ठीक है, फिर अब आप देखिए इफ आई इक्वस टू 2, आई की वैल्यू जैसे 2 हो और जे की वैल्यू जैसे 2 हो तो ब्रेक ए, तो क्या कर देगा, पहले लूप को क्या कर देगा, ब्रेक कर दे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर दे। देखिए इसको, जावा सी, ये जावा कंपाइलर है आपका, डॉट जावा, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद ये लीजिए, ये अब आप देखिए 1 1, भाई आई की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू 1 हुई, फिर I की वैल्यू 1 फिर से हुई और फिर इसके बाद 2 हुई, लेकिन अब आप 2 I की वैल्यू को जैसे 2 हो गया ना, इसकी वैल्यू 2 हुई और इसकी वैल्यू 2 हुई, तो उसने क्या कर दिया, ये पहले लूप को क्या कर दिया, रोक दिया, 1 1 2 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन I की वैल्यू जैसे 2 और J की वैल्यू जैसे 2 हो तो ब्रेक ए, मतलब इस लूप को उसने क्या कर दिया, रोक दिया, इसकी तीसरी वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा। क्लियर, तो इस तरह से हम लेबल्ड लूप को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आप इसको पढ़िएगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। ओके, इनको जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, अगर कहीं किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करिएगा।